हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम सीखेंगे टेक्सचर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में, कि सेडिमेंट्री रॉक्स का जो टेक्सचर है वो कितने टाइप का होता है। और सबसे पहले हमने ये जानेंगे कि टेक्सचर होता क्या है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्सचर रिफर्स टू द शेप, साइज, पैकिंग, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रेन्स इन अ रॉक। तो टेक्सचर का मतलब क्या है? तो टेक्सचर बेसिकली जो रॉक्स में जो ग्रेन्स हैं उनका शेप क्या है, राउंडेड है, एंगुलर है, ठीक है, क्या शेप है उसकी, साइज क्या है, बड़ी है, छोटी है, पैकिंग, टाइटली पैक्ड है, लूजली पैक्ड है, कौन सी शेप में पैक है, मोनोक्लिनिक में, ट्राइक्लिनिक में, हेक्सागोनल में, और ओरिएंटेशन यानी कि किस डायरेक्शन में उसके ग्रेन्स किस डायरेक्शन में ग्रेन्स अरेंज्ड हैं। ठीक है, तो इन्हीं सब प्रॉपर्टीज़ को हम एक साथ कहते हैं टेक्सचर ऑफ ए सेडिमेंट्री रॉक। ओके, तो टेक्सचर बेसिकली होता किस चीज़ का है? बोल तो हम रॉक का है, बट शेप, साइज, पैकिंग, ओरिएंटेशन, ये सब हम किस चीज़ की देख रहे हैं? ग्रेन की देख रहे हैं। तो टेक्सचर बेसिकली हम कह सकते हैं ग्रेन का होता है। ठीक है, तो ग्रेन का शेप, साइज, पैकिंग, ओरिएंटेशन, ये ओरिएंटेशन मतलब वो किस डायरेक्शन में अरेंज है ग्रेन्स, इसी को हम कहते हैं टेक्सचर ऑफ द रॉक। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिपेंडिंग ऑन साइज। ठीक है, साइज में क्या क्या टेक्सचर है रॉक के? ग्रेन्स आर क्लास डिपेंडिंग ऑन साइज ग्रेन्स आर क्लासिफाइड एज। साइज के अनुसार ग्रेन्स को हम कुछ इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। वेरी कोर्स ग्रेन्ड सैंड, तो ये पहला टेक्सचर है, कोर्स ग्रेन्ड सैंड, मीडियम ग्रेन्ड सैंड, फाइन ग्रेन्ड सैंड, वेरी फाइन ग्रेन्ड सैंड। ठीक है, कोर्स मतलब बड़े ग्रेन्स, मीडियम मतलब मीडियम साइज के ग्रेन्स, और फाइन मतलब छोटे साइज के, बहुत ही छोटे साइज के ग्रेन्स। तो आपने देखे यहाँ पे पांच तरीके के टेक्सचर। ठीक है, साइज के बेसिस में पांच तरीके के टेक्सचर। तो टेक्सचर को स्टडी करने के लिए वेंटवर्थ ने हमारा एक स्केल बनाया था, और वो ये है स्केल, यहाँ पे मैंने पूरा बना रखा है। तो उसमें तीन कैटेगराइजेशन थे, साइज, फिर था टाइप ऑफ ये पार्टिकल्स पार्टिकल्स एंड यहाँ पे रॉक नेम। ठीक है, तो जब साइज हमारा 256 मिलीमीटर यानी कि जो ग्रेन का डायमीटर है वो 256 मिलीमीटर से ज़्यादा हो, ग्रेटर हो, तो रॉक का नाम होता है, सॉरी, जो पार्टिकल टाइप के बोल्डर होते हैं रॉक का नाम होता है बोल्डर। ठीक है, जब 64 से 256 mm, तो पार्टिकल टाइप जो होता है मतलब कॉबल होते हैं, और रॉक का नाम कॉबल। जब 4 से 64 मिलीमीटर तो पार्टिकल का टाइप पेबल, और रॉक्स का नाम भी पेबल। तो ये जो तीन हमारे टाइप की तीन रॉक्स हैं ये रूडेसियस रॉक्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, जब 2 से 4 मिलीमीटर हो साइज तो पार्टिकल टाइप ग्रैन्यूल, और जब 2 से 1/16 मिलीमीटर हो तो पार्टिकल टाइप सैंड। फिर ये नेम नहीं है यहाँ पे, नेम कट किया, टाइप लिखा है पर टाइप ऑफ पार्टिकल। ठीक है, और यहाँ पे रॉक का नाम ग्रेन ग्रैन्यूल स्टोन, और जो सैंड से मिलकर बना है सैंड स्टोन, और ये दोनों रॉक्स हैं हमारी आरिनेशियस रॉक्स। अगर पार्टिकल का साइज 1/16 से 1/256 mm हो तो टाइप ऑफ पार्टिकल सिल्ट होते हैं, और जब 1/256 से लेस हो तो क्ले। ठीक है, तो ये है क्ले का साइज। ठीक है, और सिल्ट से जो रॉक बना सिल्ट स्टोन, और क्ले से जो रॉक बना क्ले स्टोन, और ये दोनों रॉक हैं आर्जिलिसियस रॉक्स। ठीक है, तो ये था हमारा वेंटवर्थ का स्केल ऑफ साइज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब वापस आ जाते हैं टेक्सचर पे, क्योंकि ये स्केल बताना ज़रूरी था यहाँ पर, तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो हमने अभी तक पांच टाइप के साइज के बेसिस पे पांच टाइप के टेक्सचर देखे हैं। अब हम देखेंगे सॉर्टिंग के बेसिस पे। सॉर्टिंग है मतलब यहाँ पे छांटना। ठीक है, अगर जो है सेडिमेंट जो है अलग अलग साइज के, कुछ बड़े छोटे सब आपस में मिक्स हैं सेडिमेंट्स, तो उसको कहेंगे हम अनसॉर्टेड, यानी कि बिना छंटे हुए टेक्सचर। तो या मैंने मिक्सड हैं, अगर सारे साइज के सेडिमेंट्स, अलग अलग साइज के सेडिमेंट्स अगर सारे मिक्सड हैं, तो वहाँ पे जो हम टेक्सचर को बोलेंगे वो होगा अनसॉर्टेड टेक्सचर। यहाँ पे शायद ये एक गलती से आ गया है, अनसॉर्टेड होना चाहिए, ए नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, वेल सॉर्टेड टेक्सचर या ग्रेडेड टेक्सचर किसे बोलते हैं? अगर जो सेडिमेंट्स हैं सारे एक ही साइज के हैं तो हम कहेंगे उस रॉक का जो टेक्सचर है वो वेल सॉर्टेड टेक्सचर है। ठीक है, अच्छा, अब देखो, डिपेंडिंग ऑन शेप,
शेप के बेसिस में कितने टेक्सचर हैं। पहला है राउंडेड, ठीक है, राउंडेड टेक्सचर। देखो राउंड है अगर हमारी रॉक तो टेक्सचर उसका राउंडेड है, पार्शियली राउंडेड है, मतलब थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है और बट राउंडेडनेस है अभी भी, यानी गोल गोलापन है उसमें, तो उसको पार्शियली राउंडेड कहेंगे। एंगल मतलब इसमें बिल्कुल भी गोलापन नहीं है, ये बॉल जैसा तो बिल्कुल नहीं होगा, शार्प एजेस होंगे इसमें, यानी इसके कोने हर जगह से शार्प होंगे, तो इसको हम कहेंगे एंगुलर टेक्सचर, ठीक है। ओलिटिक टेक्सचर क्या होता है, इफ ग्रेन्स आर ऑफ द साइज ऑफ पिन हेड, तो उस टेक्सचर को हम बोलते हैं ओलिटिक टेक्सचर, यानी कि जो ग्रेन का साइज है वो 1 मिलीमीटर होना चाहिए। देखो जैसे सपोज करो ये पिन है, ठीक है, तो पिन का हेड है ये पिन का हेड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर इसका साइज जो है, सॉरी ग्रेन का साइज अगर इस पिन हेड के बराबर है, यानी 1 मिलीमीटर के आसपास है, तो उस टेक्सचर को हम कहेंगे ओलिटिक टेक्सचर। दूसरा पीजोलिटिक टेक्सचर, इफ ग्रेन्स आर ऑफ द साइज ऑफ अ पी, यानी कि जो ग्रेन्स हैं, जो मिनरल जो रॉक के ग्रेन्स हैं, जो छोटे छोटे कण हैं पत्थर के, वो मटर के साइज के हैं, जितना हमारा मटर होता है उस साइज के हैं, तो हम टेक्सचर को कहेंगे पीजोलिटिक टेक्सचर, ठीक है। अच्छा तो शेप, शेप होता क्या है, शेप की डेफिनेशन क्या है एक्चुअली, तो ये हमने यहाँ पे पांच, 1 2 3 4 5 टाइप के टेक्सचर और देखे यहाँ पे। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं शेप की, कि शेप की डेफिनेशन होती क्या है। शेप आप समझ सकते हैं कि भाई सर्कुलर शेप है, राउंडेड शेप है। सर्कुलर तो क्या, 2D में, जब 3D में हो जाएगा वो स्फेरिकल हो जाएगा, राउंडेड हो जाएगा, या एंगुलर होगा अगर उसमें एंगल्स ही एंगल्स होंगे, ठीक है, यानी कि अगर उसमें एजेस ही एजेस होंगे तो एंगुलर हो जाएगा। तो शेप की डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि वो शेप इज डिफाइंड एज द शार्पनेस ऑफ द कॉर्नर्स एंड एजेस ऑफ अ फ्रेगमेंट। कोई टुकड़ा है, उसके जो कॉर्नर हैं, जो कोने हैं उसके, उनकी शार्पनेस, या फिर जो उसकी एजेस हैं, एजेस या उसके एजेस, यानी कि जो हमारी साइड होती है उसकी, ठीक है। तो शेप इज डिफाइंड एज द शार्पनेस ऑफ द कॉर्नर्स एंड एजेस ऑफ अ फ्रेगमेंट। किसी टुकड़े के, कोई पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, उसके जो कोने हैं या उसकी जो एजेस हैं, यानी कि जहाँ पे दो साइड्स मिल, जहाँ पे दो फेसेस मिलते हैं, जो वहाँ पे उसकी शार्पनेस जो होती है, उसी को हम शेप शेप बोलते हैं, ठीक है। शेप इज डिफाइंड एज द शार्पनेस ऑफ द कॉर्नर्स, यानी कि उनके कॉर्नर्स और एजेस की जो शार्पनेस होती है, पत्थर के टुकड़े के जो कॉर्नर या उसकी एजेस होती है, उनकी जो शार्पनेस होती है, उसी को हम शेप कह देते हैं, ठीक है। अच्छा अब फोर्थ करते हैं स्फेरिसिटी, ठीक है। तो पहले स्फेरिसिटी की डेफिनेशन देखेंगे, फिर देखेंगे इसके अंदर कितने टाइप के टेक्सचर आते हैं। स्फेरिसिटी इज डिफाइंड एज हाउ मच अ पार्टिकल इज क्लोज इन शेप टू अ स्फीयर, यानी कि कोई पार्टिकल जो है वो कितना करीब है स्फीयर शेप के, यानी कि वो कितना करीब है स्फीयर शेप के, उसी को हम कहते हैं स्फेरिसिटी। यानी कि जैसे सपोज, हाँ ये देखो ये पार्टिकल है, ठीक है, और ये परफेक्ट स्फीयर है, ठीक है, तो ये इस शेप के कितना करीब है, यानी कि ये परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्फेरिसिटी, यानी कि कोई भी पार्टिकल स्फीयर होने के, यानी कि स्फीयर में बदलने के कितना करीब है, ठीक है, क्योंकि उसके तो अपनी फिक्स शेप होगी, बट वो स्फीयर होने के कितना करीब है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं स्फेरिसिटी, ठीक है। अब देखो ये एंगुलर पार्टिकल था मेरे पास, ठीक है, ये एंगुलर पार्टिकल था, ये डिस्टेंस ट्रैवल करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ये जो इसके एजेस हैं, ये जो इसके कॉर्नर्स हैं, वो हर जगह टकराएंगे टकराएंगे, वो टूट वो कॉर्नर टकरा टकरा के टूट जाएंगे, और फाइनली वो पहले ऐसा होगा, फिर कॉर्नर और कम होंगे, और वो फिर वो परफेक्टली एक बार स्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो वही, तो यही दे रखा है यहाँ पे, अगर जो पार्टिकल हैं वो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो जो हाँ तो जो वो जो तो जो उसका टेक्सचर होता है राउंडेड टेक्सचर कहलाता है, ठीक है। अगर वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस, यानी कि बीच में, जो ज़्यादा ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है, इंटरमीडिएट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो वो सब राउंडेड हो जाता है, और अगर वो बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करता है, थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रैवल करी यहाँ पे, यहाँ से सपोज थोड़ी सी डिस्टेंस ट्रैवल करी, तो ये अभी भी एंगुलर ही रहेगा, क्योंकि सारे कॉर्नर नहीं टूटेंगे, इसलिए ये एंगुलर रहेगा, ठीक है। अच्छा आगे फिफ्थ है पैकिंग। पैकिंग इज द मैनर ऑफ कलेक्शन ऑफ ग्रेन्स विच आर हेल्ड टुगेदर, ठीक है, कि भाई ग्रेन्स किस तरीके से आपस में जुड़ी होती हैं, उसी उसी तरीके को हम कहते हैं पैकिंग, ठीक है। इसके मैंने बताए थे 7 क्रिस्टल सिस्टम होता है, मोनोक्लिनिक ट्राइक्लिनिक, तो वही हमारे पैकिंग के 5 7
टेक्सचर है, ठीक है। देखो, मोनोक्लिनिक, टी से ट्राइक्लिनिक, एच ई से हेक्सागोनल, आर से रोम्बोहेड्रल, ओ आर से ऑर्थोगोनल, सी यू से क्यूबिक, टी ई से टेट्रागोनल। तो ये हमारी निमोनिक है, ये साथ के साथ पैकिंग टाइप याद करने के, ठीक है, पैकिंग टेक्सचर याद करने के। अच्छा, तो ये सारे जो मैंने अभी तक पांच वो बताए यहाँ पर, पांच टेक्सचर बताए, उनके सब टाइप्स बताए, तो ये क्लास्टिक के लिए थे, यानी कि जो फिजिकली वेदर्ड जो रॉक्स होते हैं उनके लिए थे। अब नॉन क्लास्टिक टेक्सचर ये उनके लिए होगा जो केमिकली वेदर्ड रॉक्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें दो दो तरह के टेक्सचर होते हैं, क्रिस्टलाइन टेक्सचर और नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर। क्रिस्टलाइन टेक्सचर इज फॉर्म ड्यू टू प्रेसिपिटेशन फ्रॉम अ सॉल्यूशन एंड एज अ रिजल्ट क्रिस्टल इज फॉर्म, ठीक है। क्रिस्टलाइन टेक्सचर कब बनता है, देखो, जब सॉल्यूशन जो होता है उसमें जो लिक्विड पार्ट होता है वो जब इवेपोरेट कर जाता है, तो जो सॉल्यूशन में जो डिजॉल्व मिनरल होते हैं वो आपस में सॉलिड जुड़कर सॉलिड बन जाते हैं, और क्योंकि वो लिक्विड पार्ट तो वेपराइज हो गया, वो भाप बन गया, वाष्प बन गया, तो जो सॉलिड पार्ट है वो आपस में जुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट होना, ठीक है, सॉलिडिफाई होना। तब जब वो जुड़ जाता है तो वो एक क्रिस्टल बनाता है, उसी को हम कहते हैं क्रिस्टलाइन टेक्सचर, ठीक है। अब नॉन क्रिस्टलाइन क्या होता है, व्हेन पार्टिकल्स कोगुलेट अ मास इज फॉर्म, जब पार्टिकल्स जो हैं आपस में चिपक जाते हैं तब मास मास बन जाता है, ठीक है, मास इज फॉर्म। दिस मास आफ्टर लूजिंग वाटर, फिर जब वो मास जो वो जो वजन होता है वो पानी लूज कर देता है तो वो हार्ड बन जाता है एंड फॉर्म नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर। इस टेक्सचर को हम कहते हैं नॉन क्रिस्टलाइन टेक्सचर। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो आप ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, कीप सपोर्टिंग और कीप वॉचिंग, और ऐसे ही मुझको सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। और थैंक यू कहना चाहूँगा आप सभी को।